नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रयास यही रहता है आप तक जो वीडियो पहुंचे वो सच हो, उसमें कोई झूठ की गुंजाइश तक ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लेटेस्ट भी होना चाहिए, तो इसलिए प्रयास यही रहता है कि एक अच्छा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। पाकिस्तान को देर से ही सही, पर अब धीरे धीरे चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। हालत यह है कि चीन की वही विपक्षी पार्टियां जिन्होंने सीपैक के रूप में पाकिस्तानियों को लंबे चौड़े वादे किए थे और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, अब सीपैक के खिलाफ बिगुल बजाना शुरू कर चुकी है। कल पाकिस्तान की संसद में सीपैक को लेकर जिस तरह का बवाल मचा, उसने जरूर चीन की नींद उड़ा दी होगी। वैसे भी जब से इमरान सरकार सत्ता में आई है, चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विवादों में अधिक घिर गई है। सीपैक के खिलाफ निरंतर हो रहे आंदोलन की वजह से विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, जिसे वे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सीपैक को लेकर बनी चीन और पाकिस्तान की समन्वय समिति की चेयरपर्सन ने साफ साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार सीपैक के कर्जों के बारे में जनता को आगाह करे। चेयरपर्सन सिरी रहमान ने यह भी कहा कि चीन अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान आर्थिक दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। इसी समन्वय समिति में चीन की तरफ से आओ जुंग ने पाकिस्तान को कहा था कि गवादर बंदरगाह और सीपैक की निर्माण परियोजना में 18,751 वर्करों को लगाया जाएगा, जिसमें 12,314 वर्कर पाकिस्तानी होंगे, मगर चीन ने कोई वादा अभी तक नहीं निभाया है और आज पाकिस्तान चीनी कॉलोनी में तब्दील होकर रह गया है। बड़ी बात यह है कि सिरी रहमान विपक्षी दलों की तरफ से उठी सीपैक को लेकर आवाज में उन्हीं की बातों को दोहराती नजर आई। सिरी रहमान ने पहली बार संसद के सामने स्पष्ट किया कि सीपैक और उससे जुड़ी परियोजना पर $49 अरब यानी 44 खरब रुपए की लागत आएगी, जिसकी रीपेमेंट 2021 से चीन को करनी है, जिसका सूद हर साल $10 करोड़ के लगभग बैठता है। हालांकि चीन ने बिना सूद के कर्ज देने और एक इमदादी एजेंसी का गठन करने की बात कही थी, लेकिन उसका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। पर मामला यहां तक नहीं है, पाकिस्तानी जनता ने सीपैक को लेकर विद्रोह के स्वर तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से नेताओं पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की संसद में यह मसला कम ही देखने को मिला है, खासतौर से सीपैक और उससे जुड़ी परियोजनाओं की लागत को चीन और पाकिस्तान ने गोपनीय रखने का प्रयास किया है। संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस प्रकार हल्ला मचाया, उसे शांत करने के लिए सरकार को कहना पड़ा कि वह सीपैक की समन्वय समिति से जुड़े याओ जुंग की ब्रीफिंग लेंगे, जिससे पाकिस्तान के पक्ष को उनके सामने रखा जा सके। पर विपक्षी लीडर आरोप लगा रहे हैं कि चीन केवल दिखावा कर रहा है और इस वक्त मुश्किल में फंसे पाकिस्तान को एक मौके के रूप में देख रहा है। विपक्षी नेताओं ने कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान इस समय चीन की आर्थिक कॉलोनी बन चुका है, जिसके सैन्य कारण है पाकिस्तान से भारत पर दबाव डाला जा सकता है और सीपैक का रूट समुद्र तक जाता है, चीन को समुद्र तक संपर्क की जरूरत है। पर यह पाकिस्तान है, इस मुल्क के पास दो आंखें तो हैं, मगर उन पर चढ़ा भारत विरोध का चश्मा इतना शाह है जिससे उसके परे कुछ दिखाई नहीं देता है। यह देश भूल चुका है कि चीन का भरोसा दान दक्षिणा में नहीं है, चीन को रिटर्न चाहिए। बेशक चीन को वाणिज्यिक तौर पर फायदा नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो सामरिक फायदा चाहते हैं। आज चीन का फोकस अरब सागर तक जाने का है, वहां तक चीन की पहुंच हो गई तो मुंबई, ओमान और सऊदी अरब उनसे बहुत दूर नहीं होंगे। पाकिस्तान जैसा मदरसा छाप मुल्क चीन के लिए बहुत महत्व रखता है, इसके लिए वो नुकसान उठाने तक को तैयार है। $49 अरब पूरे भी डूब गए तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। चीन जानता है कि पाकिस्तान को कर्ज पर कर्ज देकर वह उसे इस स्थिति में ला सकता है कि पाकिस्तान की नीतियां चीन से तय हो। इसके लिए चीन इस मुगल छाप मुल्क पर अपना कर्ज बढ़ाता चला जा रहा है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के कुछ नेताओं को समझ में आने लगा है कि सीपैक पाकिस्तान की आत्महत्या का कारण बनने जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने कल संसद में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जब तक सीपैक की परियोजना में पारदर्शिता लाकर जनता को साफ साफ नहीं बताया जाएगा, उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रकार पाकिस्तान की सरकार प्रोक्स रूप से विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रही है, कहीं वे चीन के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है।
अभी 10 दिन पहले ही चीनी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान की गुपचुप यात्रा करके गए हैं, जिससे शक की सुई जरूर पाकिस्तान की तरफ घूमती है। मतलब क्या खुद पाकिस्तान अब इस परियोजना से उकता चुका है, या फिर सचमुच विपक्षी दल सीपैक के खिलाफ लामबंद होकर उसे घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सीपैक को लेकर उठने वाली आवाजें जरूर इसकी असलियत सामने लाएगी, पर फिलहाल तो इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की राजनीति गर्माती जा रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।